guys, welcome back to my channel Creative Flow Me. Today I'm gonna share with you how to do smoky eyes at home. तो हाँ गाइज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है और हम लोग ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकते, मैं लिपस्टिक बाहर जाके नहीं दिखा सकते, तो जो ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं उनके लिए मैं बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी आँखें इन्हेंस हो जाएंगी और आप मास्क पहनने के बाद भी ब्यूटीफुल लगोगे. ब्यूटीफुल नहीं, मोर ब्यूटीफुल. तो उसके लिए आपको स्मोकी आइज बनानी पड़ेंगी. स्मोकी आइज बनाने का ट्यूटोरियल मैं आज लेकर आई हूँ गाइज, तो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें. हेलो गाइज, तो यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है. अब मैं सबसे पहले कंसीलर पैलेट उठा के यहाँ पे वाइट कंसीलर अप्लाई करूँगी. तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे से अपनी आईज पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ गाइज, ब्रश की हेल्प से. जो कंसीलर ब्रश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, मैं इसे फॉरहेड पे, अपर आईब्रोज एंड अपनी दोनों आईलिड्स पे, पूरी आईज पे प्रॉपरली इसको लगा लूँगी. अब मैं अपनी आईब्रो को सेट करूंगी. ये देखिए मेरी आईब्रो पेंसिल है, इसमें मेरे स्फूली भी है, तो यहाँ पे मैं अपनी आईब्रो पेंसिल से अपनी आईब्रोज को सेट कर लूंगी. एक एक करके दोनों आईब्रोज को मैं सेट कर लूंगी यहाँ पे. और फिर मेरा जो स्फूली है उससे मैं इसको ब्रश शेप दे दूंगी, कॉम कर लूंगी मैं अपने स्फूली से इसको. देखिए गाइज, यहाँ पे मेरी आईब्रोज भी सेट हो चुकी हैं. अब मैं फिर से कंसीलर ब्रश लेकर, ये मैं काजल ले रही हूँ यहाँ पे. काजल को अब हम अपनी आईज पे अप्लाई करेंगे. यही हमारा बेस होता है. कंसीलर को लगाने के बाद हमें काजल अप्लाई करना है गाइज. यही एक ट्रिक है स्मोकी आईज बनाने की, सबसे इजीएस्ट ट्रिक. क्योंकि मोस्टली लड़कियाँ क्या होती हैं, आई शेडो से स्मोकी आईज बनाने का ट्राई करती हैं, बट वो उतना प्रॉपर नहीं बन पाता. तो हम यहाँ पे अपना काजल लेंगे, जो भी डेली में आप काजल लगाते हो वो काजल यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, और उसको अपने कंसीलर के ऊपर से अप्लाई करना है अपने आईलिड्स पे. और थर्ड नंबर पे यहाँ पे मैं एक बेबी पाउडर लूँगी. आप कोई भी बेबी पाउडर ले सकते हैं. यहाँ पे मैं हिमालय का बेबी पाउडर ले रही हूँ. इसको हमें अपने काजल के ऊपर से स्प्रेड करना है. इससे क्या होगा ना कि हमारा जो काजल है वो स्मज नहीं होगा और ये देर तक टिका रहेगा हमारी आईज पे. तो मैं कोई भी बेबी पाउडर आप ले सकते हो. यहाँ पर मैं हिमालय का ले रही हूँ, तो इसे भी हम ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लेंगे अपने आईलिड्स पे. और नंबर फोर, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं आई शेडो पैलेट. और अब आई शेडो पैलेट में से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन सा वाला लगाने जा रही हूँ. तो यहाँ पे मैं डार्क ग्रे कलर का आई शेडो अपने काजल के ऊपर से लगाऊंगी. ये वाला डार्क ग्रे वाला आई शेडो जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं अप्लाई करूँगी बस हल्का हल्का सा बीच में आईलिड्स पे, केवल पूरे पोर्शन पे नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा पोर्शन पे लगाना है आईलिड्स पे. तो हमने आई शेडो भी लगा लिया है और अब लास्ट में, सबसे लास्ट है ये हमारा आईलाइनर. तो अब हम इन सबको करने के बाद अपना आईलाइनर अप्लाई करेंगे यहाँ पे. इसके लिए मुझे मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, डोंट माइंड गाइस. तो मैं मिरर में देख के अपना आईलाइनर को सेट कर ले रही हूँ. अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्केच वाला, जो मार्कर वाला आईलाइनर अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैं अपना ब्रश वाला आईलाइनर लगा रही हूँ एज़ यूज़ुअल. एंड हियर वी गो. तो मेरा आई शेडो वाला मेकअप रेडी हो गया है स्मोकी आईज. तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो हिट लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब.
डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ नहीं मिल पाएंगे. तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल.